तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया था सोनिक बूम किया था। ठीक है, उससे पहले रेंज ऑफ हियरिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और भी काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। बहुत 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 ही आसान टॉपिक है ये। अगर आपने लाइट का रिफ्लेक्शन कभी पढ़ा है तो डेफिनेटली साउंड का रिफ्लेक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले लाइट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने लाइट रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। लाइट का आना, टकराना और सेम मीडियम में वापस चले जाना, ये क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम ऐसे ही किसका रिफ्लेक्शन होगा आपका, साउंड का। साउंड वेव का जाना, टकराना और सेम मीडियम में स्ट्राइक करके वापस आ जाना, वो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूँ तो स्टेटमेंट क्या बोलूँगा कि मतलब साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द सरफेस एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, मतलब साउंड का जाना, टकरा कर सेम मीडियम में वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द सर्फेस, लाइट को बस रिप्लेस कर दो साउंड से, दैट्स इट, पूरा का पूरा डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगा। मैंने साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द सर्फेस एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, साउंड का जाना, टकरा कर वापस आ जाना सेम मीडियम में, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। या फिर एक और डेफिनेशन में बोल सकता हूँ और लगा के लिख सकते हो आप, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। क्या बोला मैंने, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, साउंड का जाना, स्ट्राइक करना, टकरा कर वापस आ जाना सेम मीडियम में, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा डेफिनेशन है। अगर आप इसको नोट्स बना रहे हैं तो उसको साथ के साथ लिख लें डेफिनेशन। ठीक है, दो डेफिनेशन मैंने लिखा दी है यहाँ पे। तो साउंड का जाना, टकरा कर वापस आ जाना सेम मीडियम में, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लॉ, कुछ लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपने लाइट में पढ़े थे वैसे ही साउंड में भी इसके कुछ लॉ होते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि साउंड वेव का जाना, टकरा कर वापस आ जाना सेम मीडियम में, तो उसकी लॉ बनाते हैं। पहला लॉ क्या था लाइट के लिए, पहला लॉ क्या था, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, याद होगा आपको। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, याद है आपको कुछ ऐसा लॉ। ये आपका मान लेते रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एग्जाम्पल के लिए, और मैंने यहाँ से लाइट रे डाला। ठीक है, यहाँ पर लाइट डालूंगा तो पहले क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। लैंग्वेज क्या बोलती है, मेरा पहला लॉ एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, कभी प्लेन चेंज नहीं करते। ठीक है, पहला का एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पहला। और दूसरा क्या होगा आपका, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ये क्या होंगे, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन इन द सेंस दिस इज अ बोर्ड और ये बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, अगर ये साउंड वेव आ रही है स्ट्राइक करके यहाँ टकराने के बाद, अगर ये इधर से निकल कर बाहर आ जाती है लाइक दैट, स्ट्राइक हुआ और टकरा के बाहर आ गई, तो इन दैट केस हो क्या रहा है, साउंड वेव अपना प्लेन चेंज कर रही है। पहले ये ऐसे आई और टकरा कर अगर ये ऐसे ही निकल जाती है एज इट इज, तो ये एक ही प्लेन में होती है, राइट, प्लेन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ये ऐसे आ रही है और टकरा कर इधर घूम जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका प्लेन चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में ये रिफ्लेक्शन का केस नहीं बनता। ठीक है, रिफ्लेक्शन कब होगा, जब प्लेन चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। नॉर्मल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, जानते होंगे पहले ही, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा क्या बोला, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये बहुत ही कॉमन सा लॉ है। ठीक है, और जो साउंड में है वही लाइट में है, मतलब अगर आपने लाइट का पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप साउंड का भी इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक था मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी आसान है। पहला क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा क्या होगा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये आपके दोनों लॉ हो गए, किसके, साउंड के, रिफ्लेक्शन के। अब बात करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं होता। हमने क्या किया, इसका मतलब जो मेन पार्ट है वो यही लगता है मुझे तो, और कुछ नया नहीं है इसके अंदर, नया बस इतना ही है, इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है। ये मान लेते आपका एक रिजिड सरफेस है, बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह मैंने दो पाइप रखे हुए हैं सरफेस पे, इट इज़ लुक लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना कान रखा हुआ है एज एन ऑब्जर्वर,
यहाँ मैंने एक म्यूज़िक प्लेयर रखा हुआ है, या म्यूज़िक को मैंने क्या किया, प्ले किया यहाँ पे इस जगह, ठीक। जब मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा तो ये क्या होगा, म्यूज़िक यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जाएगा, यहाँ स्ट्राइक होगा और यहाँ पर मुझे सुनाई देगा, ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट है। ये बॉडी रिजिड सरफेस है, ये स्क्रीन एक सरफेस है, और बीच में मैंने यहाँ आसपास मैंने क्या लगाए हुए हैं, आपके दो होलो पाइप लगाए हुए हैं। पाइप की स्पेशलिटी क्या है कि दोनों पाइप जो हैं वो पॉलिश फ्रॉम इनसाइड। पाइप की स्पेशलिटी क्या है कि पाइप को मैंने अंदर से क्या किया हुआ है भैया, पॉलिश किया हुआ है। अब क्यों किया हुआ है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अंदर वाला जो पाइप है वो पॉलिश सरफेस ना होकर एक रफ सरफेस होता तो क्या जो साउंड का रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाता, सोच कर देखिए कैसा रिफ्लेक्शन होता अगर सरफेस आपका रफ होता तो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। आप सोचिए लाइट में क्या होता था, सरफेस आपका स्मूथ होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा आपका, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है आपका पाइप का जो सरफेस अंदर से कैसा बनाते हैं हम लोग, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, क्यों, क्योंकि ताकि जो रिफ्लेक्शन हो वो रेगुलर हो, और रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड वे, रिफ्लेक्टेड रे है वो बहुत प्रॉपर आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये म्यूजिक सिस्टम मैंने ऑन किया, साउंड यहाँ से जाएगा इस तरह, इस फॉर्म में जाएगा और यहाँ पर टकराते हुए मुझे सुनाई देगा, ठीक है। और क्यों किया हमने ऐसा, आपको बता दिया मैंने, ये पॉलिश फॉर्म इनसाइड है, ठीक है। हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से साउंड एंटर कर रहा है तो यहाँ से साउंड क्या कर रहा है, बाहर एग्जिट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये आपका इंसिडेंट साउंड है तो ये डेफिनेटली कौन सा साउंड होगा आपका, ये रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, राइट, ठीक है। और ये बीच में जो स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है क्या है, इसके लिए एक बीच में नॉर्मल का काम कर रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एंगल आई, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, एंगल आर। इन दैट सिचुएशन मेरा रूल काम करना चाहिए, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मैं कहा ठीक है। दूसरी कंडीशन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो ये दिया हुआ है ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, मेरी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली का मुझे नहीं पता। अभी मैंने क्या किया है, जब मैंने ये अरेंजमेंट बनाया है तो मुझे ये नहीं पता कि ये रियल में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनिशियली क्या किया, मैंने इसको इस तरह का अरेंजमेंट लिया जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं थे, और मैंने ये वाला जो पार्ट था उसको मैंने क्या कर दिया, पहले वाले अरेंजमेंट में फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको जब मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अब एंगल किसका चेंज कर सकता हूँ मैं, ये वाला, मैंने यहाँ पर म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, मैं यहाँ पर साउंड सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो मुझे नहीं पता कि दोनों बराबर हैं या इक्वल है या इक्वल, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो। अब मैंने क्या किया, ये चेक करने के लिए कि साउंड का इंटेंसिटी जो मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, वी हैव टू चेक दिस पॉइंट, मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ पर साउंड का इंटेंसिटी लेवल मैक्सिमम है, तो साउंड मुझे मैक्सिमम सुनाई दे, ठीक है, लाउड साउंड सुनाई दे, समझो उसको। तो मैंने क्या किया, इस मूवेबल पाइप को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब ये आर का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 ऊपर ले जाऊँगा, और क्या चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ ऊपर ले जाकर, चेक क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि साउंड का जो लाउडनेस है, साउंड मैक्सिमम मुझे कहाँ सुनाई दे रहा है वो मैं चेक कर रहा हूँ। पहले धीरे धीरे करके इसको ऊपर करके शिफ्ट कर गया, ऊपर किया मैंने शिफ्ट, फिर धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ, नीचे लेकर आ रहा हूँ, इस साइड में लेकर आ रहा हूँ, यहाँ लेकर आ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर साउंड का जो इंटेंसिटी है, साउंड का लाउडनेस, वो मुझे मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, साउंड मुझे मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो तीन बार इसको चेक किया और मैंने एक पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ ये एक पॉइंट है जहाँ पर साउंड का इंटेंसिटी या साउंड का जो वैल्यू है मैक्सिमम मुझे सुनाई दे रहा है, ये मैंने पॉइंट फाइंड आउट किया। और यहाँ पर उसको क्या कर दिया, जहाँ पर मुझे साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा वहाँ मैंने स्वाइप को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, फिर मैंने इन दोनों एंगल को चेक करना है, जब ये साउंड मुझे मैक्सिमम सुनाई देगा उस पॉइंट पे फिक्स करने के बाद मैं इन दोनों एंगल को चेक करूंगा, एंड यू विल गेट योर आंसर, इन दैट केस एंगल आई इज डेफिनेटली योर एंगल आर। इस सिचुएशन में क्या होगा, एंगल आई इसके बराबर हो जाएगा एंगल आर के बराबर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये प्रूफ करने के लिए कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और उस केस में भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, कभी एग्जाम में सब्जेक्टिव आते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये फिगर अगर बना सकते हो तो बना दे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको निकालेंगे कैसे, मान लीजिए आपने एक अपना वाता है डी,
चेक करने के लिए, एंगल निकालने के लिए। देखा होगा आप लोगों ने यहाँ एंगल बने होते हैं 0 से लेकर 90 तक, फिर इस तरह एंगल बने होते हैं। आज समझ में आ रहा है? उससे मैं क्या करूँगा, मान लो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इस जगह रख दिया मैंने डी को, इस जगह रख दिया। अब मैं चेक करूँगा कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो पहले ये वैल्यू कुछ मिल जाएगा मुझे, ये वाला पहले निकाल लेंगे, और 90 प्लस जो ये वैल्यू आएगा वो निकाल लेंगे। ये वैल्यू किस में आएगा, 90 प्लस में, समझ रहे हो? तो मेरे दोनों आंसर में से निकाल सकता हूँ, मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। मतलब निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो ये छोटा सा पार्ट है, नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट, ये मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आप सोचिए क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं साउंड के रिफ्लेक्शन के। बहुत छोटी सी बात है, साउंड जहां पर रिफ्लेक्ट हो उसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। पहला, मेगाफोन एंड स्पीकिंग ट्यूब, एक ही हो जाएगा इसका। ये समझ में आ रहा है क्या, ये मेगाफोन स्पीकिंग ट्यूब। आपने देखा होगा इस तरह का लाउड स्पीकर लगा होता है बाहर कहीं पे अनाउंसमेंट के लिए, कहीं भी जब स्कूल वगैरह मुझे अनाउंसमेंट करना होता है इस तरह का लगा होता है सिस्टम। ये क्या है, मेगाफोन स्पीकिंग ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे साउंड इस जगह साउंड निकलेगा और यहाँ पे टकराएगा इस तरह, और ये क्या होगा आगे की तरफ फैल जाएगा। तो ये जो सरफेस है, इनर सरफेस, ये परफेक्टली क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट से बना होता है। मतलब पॉलिश क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं मिरर लगा दूंगा अंदर, ठीक है, ये अंदर से पॉलिश क्या होता है, लाइक जैसे पेंट वगैरह वॉर्निश वगैरह से बहुत प्यारा सा पेंट किया होता है, उससे कोशिश करते हैं कि भाई साउंड जो है वो आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेगाफोन स्पीकिंग। दूसरा होगा आपका, ये तो सब लोग जानते होंगे, स्टेथोस्कोप, वो डॉक्टर वाला ईयरफोन, डॉक्टर कान में लगा के घूम देते हैं दिन भर, देखा है, काफ़ी आसान है ये। इसमें इस तरह का एक डायफ्राम लगा होता है और इसका एक पार्ट जो होता है वो किसी पाइप से कनेक्ट होता है, और पाइप उनके ईयरफोन से कनेक्ट होता है। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत नॉर्मल है ये। यहाँ पर एक डायफ्राम लगा होता है जिसको बॉडी पर टच करते हैं, बॉडी में जो सिग्नल होते हैं जैसे जो कि ब्लड का फ्लो या कुछ भी समझ सकते हैं आप, वो इसके थ्रू डायफ्राम क्या करता है साउंड को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ ट्रांसमिट करता है, इनके ईयरफोन में, किसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू। ये पाइप किसका कैसा होता है, ऊपर से तो प्लास्टिक कोटिंग लगी होती है, अंदर से क्या होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छा ऐसा मटेरियल लगा होता है, ऐसा मेटल लगा होता है जो कि मैक्सिमम साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। जो कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, आप इसको फील कर सकते हो। कैसे, एक बड़े से रूम में जाओ, रूम को पूरा खाली कर दो, पूरा खाली, बिल्कुल खाली कर दो, और वहाँ पर बात करो। जब बात करोगे तो साउंड गूंजेगा, इधर उधर से आवाज़ आने लगेगी आपको। लेकिन जब उस रूम में आप सामान रख देंगे, कर्टन्स लगा देंगे, टेबल चेयर सोफे टीवी जो भी रखना होगा आप रख देंगे, उसके बाद बोल कर देखें क्या फिर भी साउंड वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, गूंजेगा ऐसे, ओ ऐसी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो मटेरियल आसपास रखा हुआ है आप लोगों ने वो क्या कर रहा है साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, ठीक है। तो साउंड का एब्जॉर्प्शन हो कर लेता है, कोई भी बॉडी कर लेती है, इजीली कर लेती है। तो यहाँ पर मैं ऐसी बॉडी काम में ले रहा हूँ जो साउंड को इजीली एब्जॉर्ब ना कर पाए, वो ओनली क्या करें, साउंड को रिफ्लेक्ट करें। तो डेफिनेटली अंदर जो बॉडी होगी कैसी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, पॉलिश्ड बॉडी होगी, ठीक है। और इसके थ्रू क्या करते हैं, कानों तक सिग्नल पहुँचाते हैं। तो स्टेथोस्कोप में इसका यूटिलाइजेशन है, एक होता है साउंड बोर्ड, साउंड बोर्ड सुना है आप लोगों ने। बेसिकली साउंड बोर्ड जो होता है वो दिखने में कॉनकेव मिरर की तरह होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और ये कहाँ काम आता है आपका साउंड बोर्ड, ये बेसिकली काम आता है आपका ऑडिटोरियम में। क्या काम आता है, कैसे साउंड जब होता है, जैसे आपने स्पीकर लगा दिया, तो स्पीकर से साउंड क्या होगा, जैसे कि ये लगा दिया, अब इससे तो साउंड क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में, रेंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ साउंड लगा देता हूँ, जैसे ये मैंने सोर्स ऑफ साउंड लगा दिया, इससे साउंड निकलेगा, इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ ऐसे भी जाएगा, राइट। अब इस सिचुएशन में जो साउंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये क्या करता है, शायद आपको अगर हमने पढ़ा हुआ है तो ये कॉनकेव मिरर का केस नंबर 5 है।
अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख दूँ तो इमेज जो बनती है कहाँ बनती है, इनफाइनाइट। और इमेज इनफाइनाइट बनाने के लिए जो लाइट जाती है कहाँ जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। शायद आपको याद होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। तो लाइट जो साउंड वेव है वो ऐसे निकलेगी, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो किस काम में लेते हैं हम, इसका यूटिलाइज क्या है मेनली, कि साउंड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करने के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए। आपने स्पीकर लगा दिया, मान लिया मैं स्पीकर लगा देता हूँ, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, इमेजिन करें ये स्पीकर लगा हुआ है। अब इससे जो निकलने वाला साउंड है वो क्या होगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, धूं 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 हर डायरेक्शन में। अब सोचो कि मुझे अच्छा हर डायरेक्शन में जाएगा तो सोचो साउंड जो होगा वो वीक होगा या नहीं होगा थोड़ी दूर पर जाने के बाद। सोच के देखो, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, एक साउंड की इंटेंसिटी को समझो, ठीक है। मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, और एक मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, क्या यहाँ पे डिफरेंस आया। इस केस में साउंड जो होगा हर डायरेक्शन में फैल रहा है, हर डायरेक्शन में, जब मैं इसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। और निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से, ये सोर्स ऑफ साउंड है, समझ ले स्पीकर है, बोला जा रहा है इसकी तरह, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो क्या मैंने अपने साउंड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज दिया, या ऐसे बोल दूँ, या ऐसे बोल दूँ, या ऐसे बोल दूँ। आपने खुद ने जर्नली कभी रियलाइज़ किया होगा कि आपको कोई फ्रेंड है वो काफ़ी दूरी पे खड़ा हुआ है, आप चिल्ला रहे हो है हाय हाय सुन 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 भाई, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, आपकी आवाज़ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो आप क्या करते हो फाइनली, अरे भैया सुनना, व्हाट इज़ दिस, आपने क्या किया भैया, साइंस का, फिजिक्स का यूज़ किया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, सारी एनर्जी को, सारी साउंड वेव को आपने एक साथ कलेक्ट करके एक डायरेक्शन में प्रोपगेट किया, एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट किया, एक डायरेक्शन में फैलाया आपने उसको, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अब डेफिनेटली अभी जो साउंड पहले इधर जा रहा था चार जगह, वो अब क्या कर रहा है, कलेक्ट होकर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिफरेंस आ रहा, समझ रहे। तो वैसे ही अगर मैं स्पीकर को यहाँ लगा दूंगा, मतलब डायरेक्टली लगाऊंगा रैंडमली, तो हर डायरेक्शन में फैलेगा, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड को पहुंचाना है तो मैं क्या करूँगा, साउंड बोर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये छोटे से इसके एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, और भी दो चार यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। क्वेश्चन अगर बनता है कभी से तो रिफ्लेक्शन से बन जाता है, इतने एप्लीकेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ अगर सब्जेक्टिव पूछा तो पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, थैंक यू।